आपको कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वो रिक्वायर्ड कर रही हैं बंदों को, तो उनकी बताऊंगा कि कैसे आप जा सकते हो, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। रोमानिया दोस्तों देखिए शेंगन कंट्री तो नहीं है, बट उनकी अपनी करेंसी है, उनकी अपना वेज है, उनका अपना इंडस्ट्री है, तो उनका काफ़ी ऐसी उनकी पावर्स हैं तो वो यूज़ करती हैं। देखिए रोमानिया को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस उनको क्या रिक्वायर होती हैं जो अच्छे बंदे काम करने वाले हों, क्योंकि अभी वहाँ पे काफ़ी ऐसा काम चल रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड से उन्होंने वर्कर मांगे हैं, तो जहाँ जहाँ से बंदे अप्लाई कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जिनके पास इनकी नॉलेज होती है वो दे देते हैं, जिनके पास नहीं होती वो उनको नहीं पता होता, तो इसलिए रोमानिया भी आप जा सकते हो और रोमानिया में आप काम कर सकते हो। जो स्टार्टिंग आपको सैलरी मिलती है वो 30,000, 40,000, 50,000 करीब होती है, कुछ घंटों के हिसाब से होती है। कुछ जहाँ मान लीजिए उनकी मंथली वेजेस होते हैं, कोई वीकली देता है, वो कोई डे पर डे देता है, तो ये आप पे डिपेंड होता है कि आपने कौन सा चूज़ करना है, और जो भी आप चूज़ करोगे उससे आप देख लेना कि कैसे वो सारा, क्योंकि ये कंपनीज किसी पे बोझ नहीं डालती, ठीक है। ये बोलती हैं कि आपको जैसे आपको सेटिंग लगता है वैसे आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है आपको बांध के रख लिया या आपको कोई यहाँ पे कोई चक्कर नहीं होगा, या बांध के आपको रख लिया फंस जाओगे, या आपको पैसे नहीं मिलेंगे, या आपको कंपनी पैसा लेके भाग जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं होता इन कंट्रीज़ में। ये अब कंट्री होती हैं जो दुबई वगैरह की कंट्रीज़ होती हैं, इनमें ये चक्कर पड़ते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे रोमानिया में आपको मैं एक ईमेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर आपने क्या करना है, उस पर आपने पहले तो अपने जो आपका एक्सपीरियंस लेटर और आपका रिज्यूमे प्रोफेशनल आपने सेंड करना है। मैंने पहले भी कई कंट्रीज़ में आपको ईमेल दी हुई है, या किसी को शायद रिस्पॉन्स भी आ गया होगा, किसी का कॉल भी आ गया, या किसी को ईमेल पे उसको रिप्लाई आ भी गया होगा। कुछ कुछ दोस्तों देखिए सभी को जॉब नहीं मिलेगी, सभी अगर 100 बंदा अप्लाई करता है 100 में से 1, 2, 3, 4 को जॉब मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 को ही जॉब मिल जाएगी, या 100 में से आपको सभी को काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। अगर आप सोचते हो किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो, तो ऐसा किसी भी कंपनी में नहीं होता कि 100 का 100 बंदा ही काम पर लग जाएगा। कोई एजेंट भी आपको बोलता है कि यार मैं आपको काम करवा दूंगा, मैं ऐसा करवा दूंगा, मैं वैसा करवा दूंगा, वो भी कई बार गलत हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। एजेंट भी कई बार ऐसा करते हैं कि 100 बंदा ले जाते हैं, पर 100 में से 100 सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक है। उसमें से कुछ ही बंदे सक्सेसफुल हो पाते हैं, जिनका स्टेटस चेंज होता है, उसका वर्क परमिट मिल जाता है, या कोई भी इंडिया से वर्क परमिट मिल जाता है, चाहे जैसे भी वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें सारा टोटली प्रोसेस इंडिया से है, आपको इंडिया से ही पूरा प्रोसेस होगा, इंडिया से ही आपका वर्क परमिट लगेगा, इंडिया से ही आपको सारा कुछ एग्रीमेंट आएगा, इंडिया से ही ऑफर लेटर आ जाएगा, और इंडिया में से ही आप फ्लाई होगे, ठीक है। ऐसा नहीं है वहाँ पे आपको विजिट भी जाना पड़ेगा, विजिट जाके आप वहाँ पे स्टेटस अपना चेंज करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंट्री आपको इंडिया से ही वर्क परमिट देगी, 2 साल का वर्क परमिट होगा, सैलरी करीबन करीबन आपकी मैं बोला ट्रेड के हिसाब से होगी। नॉर्मल अगर हेल्पर किसी को कुछ नहीं आता, हेल्पिंग में जा रहा है, वो कम से कम उसको 30,000 प्लस मिलेगी, ठीक है। बाकी खाना पीना कंपनी कर रही है, खाना रहने को जैसे उनका खाना होता है वो अगर आपको ठीक लगता है, ठीक है, नहीं तो आप खुद का कर सकते हो, खुद का एक्सपेंस लगेगा, ठीक है। रहने का कंपनी रूम प्रोवाइड कर देगी, उसमें आपको पता ही है कि बाहर के रूम कैसे होते हैं, तो 4-4, 5-5, 6-6 बंदे एक रूम में रहते हैं, उसमें बेड लगे होते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी मैं इसके रिगार्डिंग आपको मैं ईमेल आईडी सेंड कर दूंगा, उस पर आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। रोमानिया कंट्री है, 2 साल का वर्क परमिट दे रही है कंपनी, काम करना है अपने वहाँ पर कर सकते हो कंपनी को बोल के। अगर आपने कहीं और जाना है तो 1 साल कम से कम काम कीजिए, और बंदों को बोल दीजिए कि मैं यहाँ पर मूव होना चाहता हूँ, या आपके मुझे NOC दे दीजिए, मैं काम नहीं करना। बहुत हो जाता है कि एक बार आप काम करना शुरू कीजिए, बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, कमेंट पे मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, जरूर आंसर करूँगा। वीडियो पसंद आई लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।